और आज पुलिस ने ही इनके ऊपर झूठा केस दर्ज किया है। इसमें कोर्ट ने डिसाइड नहीं किया है कि क्या करना है, तो जब तक अभी कोर्ट डिसाइड नहीं करता तब तक वो जो चीज जैसी है वो वैसी रहनी चाहिए। और पुलिस को कोई अधिकार नहीं है कि अगर कोर्ट मैटर चल रहा हो, अभी कोर्ट ने ही उसमें निर्णय नहीं लिया है, कोई फैसला नहीं लिया है, कोई जजमेंट पास नहीं किया है, तो पुलिस का ये अधिकार नहीं है कि पुलिस जाके उनको कहे कि आप ये पोजिशन हटा दो, आप ये शेड निकाल दो। और एक टेक्निकल केस, झूठा केस जो इन्होंने दर्ज किया है 447 का, तो अगर ये इन्होंने अतिक्रमण किया है तो ये आपने जो सीआरपीसी 149 की नोटिस जो दिया था नॉन एप्लीकेंट को, तो ये नॉन एप्लीकेंट को आपने जब इनका पोजीशन नहीं था तो उनको पाबंद क्यों किया था इस जमीन पर आने से? मेरा नाम सैयद शकीलुद्दीन है और ये मेरे भाई है सैयद अजहर अजहरुद्दीन। हमारी जो है तो 30 गांव गट नंबर 104/2, जूना सर्वे नंबर 72/2, वो 72/3, ये एक्स मिलिट्री माजी सैनिक की ज़मीन है। हमारे दादा जो है तो मिलिट्री में थे, एक्स मिलिट्री मैन थे। ये ज़मीन के जो है तो संदर्भ में दीवानी और महसूली न्याय बहुत सारे न्याय प्रविष्ट है। इसमें बहुत सारे लोगों ने इनलीगल ट्रांजेक्शन करे समझो, तो वो हिसाब से हमने जो है तो इसमें दावे दाखिल करे। ये वर्ग 2 की ज़मीन है, हस्तांतरित ना होनारी गायरान स्वरूप की। तो इसमें जो है तो दिलीप चितलांगे जो है तो हमारी ज़मीन पे ताबा करने की कोशिश कर रहा, इल्लीगल उसके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है जो बनाया है तो वो ताबा करने की कोशिश कर रहा। हम जो है तो इसके पहले बहुत सारे एप्लीकेशन दिए, सीपी साहब को दिए, एसीपी साहब को दिए, डीएसपी साहब को दिए, और जो है तो संबंधित पुलिस स्टेशन जो MIDC वालूज है जहाँ पर संदीप गुरमे साहब है वहाँ पर भी हमने जो है तो अभी एप्लीकेशन दिए हुए हैं। संदीप गुरमे साहब ने जो है तो हमारी जो है तो सुने नहीं, 2-3 बार हमको बुलाए और बुलाने के बाद जो है तो हमारे पेपर की चौकसी नहीं करे। इसके पहले भी जो है तो हमने बहुत तकरार दिए हुए, चौकसी नहीं करे हम। उसके बाद ACP साहब के पास गए, ACP साहब ने भी जो है तो उसमें कोई हमारी सुनवाई करे नहीं। फिर हम जो है तो कल दोपहर में जो है तो DCP साहब के पास गए, DCP साहब ने भी उसमें जो है तो इतना कोई ख़ास वो नहीं आया। यानी हमको ऐसा लगता कि हमारे पे अन्याय हो रहा, और जो दिलीप गोपाल चितलांगे जो है तो जो भूखंड माफिया है वो पूरा मैनेज कर रहा पुलिस डिपार्टमेंट है, और हमको हमारा न्याय नहीं मिल रहा। हमारे ताबे पे ज़मीन है 20-25 साल से हमारे वहाँ जानवर वाले लोग भाड़े से है, और मैं खुद देख रेख करता और विविध न्याय में उसमें दावे दाखिल है। तो ये नई इसमें न्याय मिलने की वजह से हम जो है तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल कमेटी वसीम शेख साहब के पास हमारी फरियाद लेके आए हुए हैं। देखिए जो मेरे पास में ये कंप्लेनेंट है जो कि इन्होंने अभी आपको सब जबानी बताया इनके साथ क्या हो रहा है, इनके साथ नाइंसाफी हो रही है और नाइंसाफी हो रही है। और जो पुलिस है, पुलिस डिपार्टमेंट का सिविल मैटर में इंटरफेयर करने का कोई काम नहीं है। दूसरी चीज़, ये जो मैटर है, इस मैटर में आप देख सकते हैं ये यहाँ पे नोटिस है CRPC 149 में, इनको जो है एक नोटिस दिया गया था MIDC वालूज पुलिस थाने से गैर अर्जदार को, नॉन एप्लीकेंट को। जब पुलिस ने ही ये नोटिस दिया था नॉन एप्लीकेंट को, और नोटिस देकर ये कहा था कि ये सिविल मैटर है और आप इनको तकलीफ ना दे और इनके पास आप जाए नहीं, पुलिस ने ही इस ज़मीन पे आने से जो नॉन एप्लीकेंट है उनको रोका गया था। और आज पुलिस ने ही इनके ऊपर झूठा केस दर्ज किया है, जबकि आज अगर FIR दर्ज किया गया आपने, तो जो FIR की है 447 IPC जो आपने दर्ज की है, 447 IPC कब दर्ज होता है? अगर कोई किसी की ज़मीन पर कब्जा करता है, आज 2012 से जिसका सिविल जो आपका कोर्ट मैटर चल रहा है, जो सिविल कोर्ट में जो केस चल रहा है जिसका केस नंबर है 506/2012, इसको 10 साल हो चुके हैं जो कि कोर्ट में पेंडिंग है। तो अभी इसमें कोर्ट ने डिसाइड नहीं किया है कि क्या करना है, तो जब तक अभी कोर्ट डिसाइड नहीं करता तब तक वो जो चीज़ जैसी है वो वैसी रहनी चाहिए। और पुलिस को कोई अधिकार नहीं है कि अगर कोर्ट मैटर चल रहा हो, अभी कोर्ट ने ही उसमें निर्णय नहीं लिया है, कोई फैसला नहीं लिया है, कोई जजमेंट पास नहीं किया है, तो पुलिस का ये अधिकार नहीं है कि पुलिस जाके उनको कहे कि आप ये पोजीशन हटा दो, आप ये शेड निकाल दो। और एक टेक्निकल केस, झूठा केस जो इन्होंने दर्ज किया है 447 का, तो अगर ये इन्होंने अतिक्रमण किया है तो ये आपने ये जो सीआरपीसी 149 की नोटिस जो दिया था नॉन एप्लीकेंट को, तो ये नॉन एप्लीकेंट को आपने जब इनका पोजीशन नहीं था तो उनको पाबंद क्यों किया था इस जमीन पर आने से? सबसे पहला पॉइंट ये, तो ये देखते हुए ऐसा लगता है। उसके अलावा आपको मैं बता दूं कि इसमें जो ये एप्लीकेंट है, ये एप्लीकेंट ने आपको बता 17 जुलाई 2021 को
एक ये इनको यहाँ पे नोटिस दिया गया था, उसके बाद इसको एक साल ऑलमोस्ट हो चुका है। उसके बाद आपको बता दूं यहाँ पे 16 दिसंबर 2022 को यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस छावनी इनको कंप्लेन की गई थी। उसके बाद में उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, वो पेंडिंग है। उसके बाद आपको बता दूं कि जो इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस है वालूच के MIDC, उनको 17 दिसंबर 2022 को कंप्लेंट इनकी तरफ से की गई थी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनकी जब तीन कंप्लेंट ऑलरेडी वहाँ पे आपके पास दर्ज है, तो उस कंप्लेंट पर आपने कोई कार्रवाई नहीं की है। और जब नॉन एप्लीकेंट आपके पास आता है तो आप सडन FIR दर्ज कर देते हो, वो भी सिविल मैटर में, कोर्ट मैटर में, नोबडी कैन इंटरफेयर इन कोर्ट मैटर। तो ये पुलिस को क्या अधिकार है 448 इसको, और FIR दर्ज किए आपने, ठीक है वो एक आपका इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, आप इन्वेस्टिगेशन करो, इन्वेस्टिगेशन करके आप उसमें अगर ये गलत है तो आप उस पर कार्रवाई करो। लेकिन आप इनको पोजीशन हटाने के लिए कहा जा रहा है, पुलिस अपनी जो गाड़ी है वहाँ पे गाड़ी लेकर आ रही है, इनके जो लोग हैं वहाँ पे, इनके तबेले पे जो इनके वर्कर्स हैं उनको धमकाया जा रहा है, इनको डराया जा रहा, और ये जो टेक्निकल केस है ये काफ़ी दिनों से चल रहा था, पुलिस इन पर दबाव डाल रही थी। तो मैं बोलना चाहता हूँ कमिश्नर ऑफ पुलिस से कि इस तरह की ये जो हरकत की जा रही है, हमारे कमिश्नर साहब के आशीर्वाद से गुरमे साहब को इतना मतलब पावर दिया जा रहा है, गुरमे साहब को इतना CP साहब के आशीर्वाद से इतना गुरमे साहब इतना सब ये टेक्निकल काम कर रहे हैं, पोजीशन देने के काम कर रहे हैं। मैंने अभी PSI जो है राहुल, इसके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आए हो, उनसे मैंने बात किया तो उन्होंने कहा कि ये हम इसमें फाइनल भेजेंगे। तो जब आपको फाइनल भेजना है तो आपने ये FIR दर्ज क्यों किया, जब आपने पहले ही इनके आप पेपर देख लेते, एविडेंस देख लेते। और ऐसा नहीं है कि पुलिस को इसकी जानकारी नहीं थी, इतनी सारी कंप्लेंट्स पुलिस को ऑलरेडी की गई है, तो क्या पुलिस को पता नहीं था कि यह सिविल मैटर है, कोर्ट मैटर है? और पुलिस ने ही 2021 में जो नॉन एप्लीकेंट है उनको पाबंद किया था। तो ये हमारे CP साहब के आशीर्वाद से और उनके मार्गदर्शन में कितना बड़ा काम चल रहा है कि औरंगाबाद में पुलिस जो है आज तावा लेने का, पोजीशन देने का भी काम कर रही है, और CP साहब आज हमारे खामोश है। जब कोई औरंगाबाद में अच्छा काम होता है, कोई बहुत बड़ी रेड हो जाती है तो बताया जाता है हमारे DCP साहब के मार्गदर्शन में ये काम हुआ, CP साहब के मार्गदर्शन में ये काम हुआ। जब अच्छे काम होते हैं तो ये वरिष्ठ लोगों के मार्गदर्शन में होते हैं। तो इस तरह की अगर इल्लीगल एक्टिविटीज होती है तो क्या ये वरिष्ठ के मार्गदर्शन में नहीं हो रही है? मेरा ये सवाल है। और दूसरी चीज ये कि अगर इस तरह की हरकत की जाएगी, अभी हमेशा से ये मुझसे लोग कहते हैं कि यार वसीम भाई पुलिस के खिलाफ है, पुलिस के खिलाफ है, कमिश्नर साहब के पीछे लगे हैं, इसके पीछे। मैं किसी के पीछे नहीं रहता हूं, मैं जो है गलत के पीछे होता हूं, और इस तरह के लोग जो आज इंसाफ के लिए आ रहे हैं तो इनको सपोर्ट करना ये मेरा फर्ज है, मेरा काम है। मैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से जो अपॉइंट हुआ इसीलिए अपॉइंट हुआ हूं कि इन लोगों को मैं इंसाफ दिलाऊं। इस तरह की इल्लीगल एक्टिविटीज अगर पुलिस करती है तो इस पर कौन आवाज उठाएगा? जरूरी है कि मुझे उठाना पड़ेगा? मैंने इसमें जो है तो DGP साहब को रिपोर्ट किया हूं, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस संदीप गुरमे उनके खिलाफ, और मैंने जो वहाँ के राहुल PSI राहुल है समथिंग कुछ उनके खिलाफ भी मैंने कार्रवाई किया हूँ। और इसमें अगर इसमें जल्द से जल्द कुछ एक्शन नहीं लिया जाता, वो जो केस किया गया है अगर उसको भी फाइनल नहीं किया जाता, और अगर इनको परेशान किया जाता है पोजीशन देने के लिए और ये सब के लिए, तो मैं जल्द से जल्द CP साहब, डेप्यूटी कमिश्नर Zone 1 साहब, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस PI गुरमे साहब और PSI, इनके खिलाफ मैं एक हाईकोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल करूंगा कि ये इस तरह की हरकत की जा रही है, और कि ये पुलिस का सबसे बड़ा एविडेंस है CRPC 149। ये 149 की पुलिस नोटिस देकर नॉन एप्लीकेंट को एक साल पहले पाबंद करती है, इसका मतलब एक साल पहले इनका पोजीशन था, तो आज ये अतिक्रमण सडन कैसे हो गया? तो ये चीज देखना जरूरी है पुलिस को। ऐसे ही किसी पर टेक्निकल FIR दर्ज कर देना, ठीक है आपने FIR दर्ज की, वो आपके राइट्स है CRPC 154 में, आपके फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट आपको दर्ज करना वो आपके राइट्स है, लेकिन ये कोर्ट मैटर चल रहा है, सिविल मैटर चल रहा है, और जमीन पर आपने पंचनामा करना चाहिए, देखना चाहिए कि ये सही है गलत है, और बिना आप देखे किसी पर भी टेक्निकल, ठीक है आपने FIR दर्ज की है कोई बात नहीं, आप उसमें भी इन्वेस्टिगेशन करो, सही गलत आपके सामने, लेकिन आप इनको बार बार प्रेशर कर रहे हो, पुलिस इनको प्रेशर कर रही है कि ये आप पोजीशन खाली कर दो, आप ये शेड तोड़ दो, आप इनको ताबा दे दो, और नॉन एप्लीकेंट के साथ जमीन पर पुलिस आ रही है, इसकी क्या जरूरत है? इसकी क्या जरूरत है नॉन एप्लीकेंट के साथ, जो कि FIR जिसने किया है, जो अर्जदार है, उनके साथ जमीन पर पुलिस कैसे आ सकती है? क्या अधिकार? वसीम सर, मेरा सवाल ये था, 2021 में जब पुलिस ने नॉन एप्लीकेंट को जो पाबंद किया आपने बताया, यस, अभी 2022 में वही पुलिस स्टेशन से वापस रिप्लाई आता है कि आप आपका पोजीशन वहां से हटा दीजिए, अतिक्रमण कर रहे, वही तो बता रहा हूं। इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है? रीजन इसके पीछे ये है कि जो हमारे इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस है, साफ जाहिर है कि उन्होंने पोजीशन देने का काम लिया है, पोजीशन देने का काम लिया है, इसलिए इनको पोजीशन हटाने के लिए प्रेशराइज कर रहे हैं।
और पुलिस का काम नहीं है कि पोजीशन हटाए। ठीक है, अगर वो गैर कानूनी है, इलीगल है, तो आप उनको जो है तो कार्रवाई करो, लेकिन जो कोर्ट मैटर चल रहा है उसमें आप कैसे इंटरफेयर कर सकते हैं? एक जगह से वही पुलिस स्टेशन से पावन किया जाता है, दूसरी जगह से मतलब वही पुलिस स्टेशन से इनके ऊपर अतिक्रमण का दावा किया जाता है। यस, तो अभी इसमें आपका क्या रहेगा सर इसका? देखो, अभी मैंने तो डीजीपी साहब को रिपोर्ट कर दिया हूँ और मैं अभी इसमें हम लोग टू डेज वेट करेंगे क्या होता है, और नहीं तो फिर हम लोग हाई कोर्ट में रिट पिटीशन कर देंगे। डायरेक्ट सीपी के ऊपर जो है तो आरोप लगाया है कि उनके आशीर्वाद से ये सब बिल्कुल चल रहा है, तो सीपी के ऊपर पालक मंत्री रहता है। यस, तो क्या आप देखिए, मैं एक मिनट, मैंने सीपी साहब पे देखिए जो नहीं, मैं जो है किसी से मुलाकात करके नहीं, मैं जो काम करता हूँ पेपर वर्क पे करता हूँ, पेपर वर्क पे ही मेरा काम होगा। और दूसरी चीज ये है कि सीपी साहब के ऊपर जो मैं आरोप लगा रहा हूँ, ये मेरा आरोप नहीं है, ये ऑथेंटिक है। क्योंकि मैं आपको बता दूँ, औरंगाबाद में आज आप देख रहे हैं कि जो 420 के केसेस है, 420 के, वो पीआई के पावर्स होते हैं, इंस्पेक्टर के पावर होते हैं 420 का गुना दाखिल करने। 420 का जोन को जो है तो परमिशन देने के लिए पहले पावर दिए गए थे, अब जोन से भी ले लिए गए। आज सीपी साहब की परवानगी से 420 के गुने दाखिल होते हैं। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि हो सकता है करप्शन हो रहा हो, पीआई कुछ टेक्निकल गुने दाखिल कर रहे हो, गलत गुने दाखिल कर रहे हो, इसीलिए सीपी साहब ने अपने पास पावर ले लिया। बराबर है? तो इस तरह के अगर 447 के और 448 के, 448 और 447 के अगर टेक्निकल गुने दाखिल होते हैं, तो सीपी साहब ये गुनों पर ध्यान क्यों नहीं देते, इसे अपने पास क्यों नहीं ले रहे सीपी साहब? इस तरह के लोगों को आज तकलीफ हो रही है तो उस पर सीपी साहब क्यों नहीं ध्यान दे रहे? आखिरी सवाल, आगे खत्म क्या था जी? मैं अभी देखिए, इस पर मैंने तो अभी मुझे जो बाइट देना था, मुझे पब्लिश करना था कि हमारे औरंगाबाद के सीपी साहब के आशीर्वाद से क्या चल रहा है और उनके अंडर में क्या चल रहा है, तो थोड़ा सा बस मुझे ये सीपी साहब को बताना था और मैं वो अभी बता चुका हूँ। अब इसके बाद सीपी साहब अगर कुछ करते हैं तो ठीक है, वरना मुझे क्या करना है वो तो मैं अच्छे से जानता हूँ।